वो बाकायदा जिला प्रशासन से और निर्वाचन अधिकारी द्वारा ली गई थी। अब ठीक है, भारतीय जनता पार्टी रायबरेली में विचलित है और घबराई हुई है। जिस तरीके से मेरे द्वारा 2000 से लेकर 2005 तक के जो एक अद्भुत और रायबरेली नगर को विकास की पथ पर आगे बढ़ाने का जो काम किया गया था नगर पालिका क्षेत्र में, आज वो जनता सराहना नहीं कर रही बल्कि रायबरेली की जनता नगर पालिका की उसको वापस लाना चाहती है उसी विकास कार्य को। और जिस तरीके से आम आदमी, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी, आज एक गरीब बेटे जो अनुसूचित समाज से आते हैं, भाई पारसनाथ जी के साथ आज लगे हुए हैं और समाजवादी पार्टी आज और समाजवादी पार्टी की साइकिल वो विकास की ओर एकदम तेजी से चल पड़ी है, कोई उसे छू नहीं पा रहा है, तो निश्चित रूप से लोग विचलित हैं, परेशान हैं। अनुमति होने के बाद मुकदमा का क्या अर्थ है? अगर व्यापारी स्वागत कर रहे हैं, व्यापारी सम्मान कर रहे हैं, व्यापारी प्रत्याशी का मनोबल बढ़ा रहे, आत्मबल बढ़ा रहे हैं, और इस तरीके से जो बड़े नेता आते हैं, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी आते हैं, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आते हैं कहीं पे, तो लोग इकट्ठा होते हैं, स्वागत करते हैं, उसमें भी तो जो है जनसंपर्क का केवल आदेश होता है। तो ये इससे समाजवादी पार्टी के लोग विचलित नहीं होने वाले हैं, ये निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को आज दबाने का, कमजोर करने का एक उचित प्रयास है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी जान रही है कि समाजवादी पार्टी ही उसको हराने जा रही है और बाकी सबका खेल रायबरेली की जनता ने जान लिया है, जो लोग अभी तक कुछ वोट काटने की भूमिका भारतीय जनता पार्टी से मिल करके कर रहे थे, वो रायबरेली में आज पूरे लोगों के अंदर लोग जान चुके हैं, वो एक्सपोज हो चुके हैं, लोग जान चुके हैं कि जो वोट कटवा घूम रहे थे, जो 2000 और 4000 वोट की स्थिति में आज रायबरेली नगर पालिका में हैं, ये और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिले हुए हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। समाजवादी पार्टी को जनता का मिलता हुआ विकास के नाम पर जनाधार, समाजवादी पार्टी को आज प्रत्याशी को जिस तरीके से अनुसूचित वर्ग, पिछड़े वर्ग, बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक वर्ग, प्रबुद्ध जन, व्यापारी समाज, पटेल समाज, हमारा लोधी राजपूत समाज, रैडा समाज और सर्व समाज जिस तरीके से विकास के लिए आज वोटिंग करने जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। ये मुकदमा लिखना केवल भारतीय जनता पार्टी की हताशा और निराशा को दिखाता है, इसलिए उनकी चाल खुल गई। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके के दिन में वोट मांगते थे कमल का, और समाजवादी पार्टी को वोटरों में जाके कहते थे कि किसी दूसरी पार्टी को वोट दो, ये गठबंधन खुल गया रायबरेली शहर में और उससे विचलित हैं, जो समाजवादी पार्टी के साथ पूरा जनाधार, सभी अगड़े पिछड़े, दलित, प्रबुद्ध जन, व्यापारी सब उनके साथ निकल पड़े, तो वो विचलित हैं। उस विचलित होने का एक परिणाम, लेकिन मैं सवाल जरूर करूँगा कि डिग्री कॉलेज चौराहे की पूरी रेलिंग पर भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगे हैं, वो एक सरकारी रेलिंग है, सरकारी पार्क है। इसी तरीके से अग्रसेन पार्क जो नगर पालिका का पार्क है और वो सरकारी संपत्ति है, उस पर भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगे हैं। रातों रात मुंशीगंज से लेकर के कई इलाकों में जाके 2 बजे 3 बजे रात जबरन लोगों के यहाँ झंडे बंटवाना बिना अनुमति के, क्या अनुमति लिया है भारतीय जनता पार्टी ने? तो मैं जिला प्रशासन से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है, रायबरेली का निष्पक्ष चुनाव संपादित कराया जाना, तो उस निष्पक्ष चुनाव को कराए जाने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन पर है। रायबरेली की जनता उम्मीद करती है कि निष्पक्ष रहे भी और निष्पक्ष दिखाई भी पड़े।